हेलो, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर हादी हेयर। आज फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से फिर से लेक्चर है, एंजाइम का चैप्टर है और टॉपिक का नाम है एंजाइम इनहिबिशन। तो लेट्स स्टार्ट एंजाइम इनहिबिशन। देखिए, इससे पहले हमने लेक्चर्स काफ़ी एंजाइम के बारे में पढ़े। तो एंजाइम आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन कर रहा होता है। अब एंजाइम के काम को रोकने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप उसका पीएच, टेम्परेचर वगैरह चेंज करके उसके काम को रोक सकते हैं, एंजाइम के काम को, या फिर आप कोई केमिकल सब्सटेंस ऐड करते हैं, उस केमिकल सब्सटेंस की वजह से भी एंजाइम अपना काम, अपना फंक्शन स्टॉप कर सकता है। सो ये जो एंजाइम के फंक्शन का रोक जाना, एंजाइम के फंक्शन के को स्टॉप करना, इसको कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। और इनहिबिशन जो है, ये इंग्लिश वर्ड इनहिबिट से है, मींस टू स्टॉप, रोक देना। तो एंजाइम को हम रोक सकते हैं केमिकल एजेंट यूज करके। यहां पर टेम्परेचर और पीएच का बिल्कुल जिक्र मौजूद नहीं है। यहां पर हम कोई सब्सटेंस ऐड करेंगे और उस एंजाइम का एक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो उसका मैं आपको सबसे पहले, ये तो डेफिनेशन तो आपको समझ आ गया होगा कि स्टॉपिंग एंजाइम्स एक्शन बाय द हेल्प ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस, एंजाइम्स एक्शन बाय द हेल्प ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस, बाय द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंस। ये डेफिनेशन है। तो अब हम आ जाते हैं केमिकल सब्सटेंस, कौन से केमिकल सब्सटेंस, कोई एग्जांपल है तो हम कहते हैं यस, एंटी मेटाबोलाइट्स इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है। एंटी मेटाबोलाइट्स और इसके अलावा एंटीबॉडीज, ये, और इसके अलावा पॉइजन आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, जो जहर है, पॉइजन है, या फिर आप वो कह सकते हैं विनोम जो है, सांप का जहर या दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं उनके जहर जो है, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। और एक बड़ा बहुत मशहूर केमिकल सब्सटेंस भी है, साइनाइड्स। तो ये जो साइनाइड्स हैं, ये भी एंजाइम इनहिबिटर के कैटेगरी में आते हैं। तो ये कुछ नाम है, एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटीबॉडीज, पॉइजन, विनोम, साइनाइड्स, ये आपके एंजाइम को स्टॉप कर देते हैं। अब जो एंजाइम इनहिबिशन है, ये हमारे पास दो तरह की है। नंबर वन, हम इसको क्लासीफाई कुछ इस तरह से क्लासीफाई करेंगे। एक का नाम है इरिवर्सिबल इनहिबिशन, दैट इज इरिवर्सिबल इनहिबिशन, और दूसरा जो है वो है रिवर्सिबल इनहिबिशन। तो स्टार्ट करते हैं हम इरिवर्सिबल इनहिबिशन से। इरिवर्सिबल इनहिबिशन का मतलब क्या है कि जब एंजाइम किसी इनहिबिटर के साथ अटैच हो जाए, लेट सपोज ये आपका एंजाइम है, एंजाइम ई, और इसके साथ अटैच हो जाता है, क्या चीज अटैच हो जाता है, इनहिबिटर आई। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं आई, आई फॉर इनहिबिटर। लेकिन यहां पर ये जो बॉन्ड बना लिया इनहिबिटर ने एंजाइम के साथ, जो बॉन्ड बना लिया, बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है अक्सर जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड, ये कोवेलेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से क्या होगा कि ये जो इनहिबिटर, ये एक बार इस एंजाइम के साथ अटैच हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं जैसे आसानी के लिए, देखो एक्टिव साइट बिल्कुल यहाँ पर फारिग है, आप देख सकते हैं। तो ये जो इनहिबिटर है, इसके लिए मोस्टली ये जो एक्टिव साइट है यहाँ पर, चूंकि ये बॉन्ड नजर नहीं आ सकता था, तो इसीलिए मैंने आपको बॉन्ड समझाने के लिए इनहिबिटर को यहाँ पर लिखा। इनहिबिटर वैसे यहाँ पर एक्टिव साइट पर आकर जो है अटैच हो जाएगा, और जो बॉन्ड बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से ये एंजाइम हमेशा के लिए परमानेंटली जो है नाकारा हो जाएगा। या फिर एक दूसरा सेकेंड ऑप्शन भी है, या फिर इस तरह से है कि इनहिबिटर इस एंजाइम के साथ एक बार जब अटैच हो जाता है
तो अटैच होने के बाद इस पूरे इंजाइम का शक्ल ही बिगड़ जाता है, पूरे इंजाइम का शेप ही चेंज हो जाता है। ये जो शेप है ये चेंज हो जाता है, शेप चेंजेस। तो अब जब एक बार इंजाइम का शेप चेंज हो जाए, ये अपने आप को दोबारा रिवर्स नहीं करेगा, ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा और ये सब्सट्रेट को बिल्कुल कैटलाइज नहीं कर पाएगा, या फिर वो एक्टिव साइट के ऊपर अटैच होकर उसको मुस्तकिल तौर पर ब्लॉक कर देगा ताकि कोई सब्सट्रेट इस पर अटैच ही ना हो सके। जाहिर है एक्टिव साइट सारा क्लोज्ड हो गया है तो सब्सट्रेट आएगा भी तो कहां पर अटैच होगा, ओरिजिनल सब्सट्रेट। इसीलिए एंजाइम का काम यहां पर आपने स्टॉप कर दिया। और सो इसका मतलब है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब यह है कि जो चीज एक डायरेक्शन में चला जाए वो वापस रिवर्स डायरेक्शन ना हो जाए, हम उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, रिवर्स इरिवर्सिबल। अब जो दूसरा है वो है रिवर्सिबल इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या होगा, रिवर्सिबल इनहिबिशन में हमारे पास एक बार फिर से मैं आपके लिए यहाँ पर एंजाइम का एक डायग्राम लिख रहा हूँ, ये रहा आपका एंजाइम। इस केस में क्या होगा, सब्सट्रेट अपने आप को अटैच कर देगा, सॉरी इनहिबिटर अपने आप को अटैच कर देगा। मैं फिर से जस्ट इसको थोड़ा साइड पे लिख रहा हूँ, इनहिबिटर अपने आप को अटैच कर देगा, इनहिबिटर आई, लेकिन वो जो बॉन्ड बनाएगा एंजाइम के साथ वो बहुत ही वीक बॉन्ड होगा, ठीक है, वीक बॉन्ड्स होंगे, वीक बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकती है, ठीक है, सो वीक बॉन्ड होगा, मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ पर आप कह सकते हैं, मतलब ऐसा बॉन्ड जो कि खुद ब खुद जल्दी टूट सकता हो, कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये नहीं टूट सकता खुद बहुत, लिहाजा वीक बॉन्ड की वजह से ये पॉसिबल, ये चांस है कि ये जो आपका इनहिबिटर है ये एंजाइम को छोड़कर एक्टिव साइट को छोड़, क्योंकि इनहिबिटर ने आना कहाँ पर है, एक्टिव साइट पर उसने अटैच होना है, और जब ये एक्टिव साइट पर आ जाएगा तो एक्टिव साइट पर वो कुछ देर के लिए एंजाइम के काम को स्टॉप कर देगा और उसके बाद वापस अपना काम शुरू करेगा एंजाइम। याद रखिएगा कि इसको रिवर्सिबल इसलिए कहा जाता है कि अगर ये इसको स्टॉप भी किया तो ये दोबारा अपने आप को रीस्टार्ट कर सकता है। और यहाँ पर एक और बात भी याद रखिएगा कि अगर रिवर्सिबल इनहिबिशन को आप रिवर्स करना चाहते हैं उसके लिए एक पॉइंट अक्सर एमसीक्यूज भी आते हैं कि भाई अगर एक एंजाइम रिवर्सिबल तरीके से इनहिबिट हो गया उसके लिए तरीका क्या है उसको वापस अलग करना इनहिबिटर से, तो उसके लिए है इंक्रीजिंग द सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन। ये उसका जो है एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, इंक्रीजिंग द सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन, इंक्रीजिंग द सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन, ये उसके लिए उसका जवाब है। अगर आपने सब्सट्रेट की कंसेंट्रेशन को ज़्यादा कर दिया तो फिर ये इसके साथ अटैच नहीं होगा। अच्छा, रिवर्सिबल इनहिबिशन की मजीद दो किस्में हैं, टू टाइप्स के, और यही जगह मैं यहां पर इसे मिटा रहा हूं। एक का नाम है कॉम्पिटेटिव, एक का नाम है कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, और दूसरे का नाम है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, दो तरह के रिवर्सिबल। कंपीट इंग्लिश वर्ड है, कंपीट, कंपीट का मतलब क्या है, मुकाबला, मुकाबला करना, ठीक है। इसमें हमारे पास जो एंजाइम है, एंजाइम का लेट सपोज ये आपका एंजाइम है और ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, ठीक है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है। यहाँ पर हमारे पास जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर आई, और जो ओरिजिनल सब्सट्रेट है एस, तो मैं इसको एस लिख रहा हूँ, ठीक है, सब्सट्रेट, दोनों की शक्ल जो स्ट्रक्चर है वो मिलता जुलता है, ठीक है, सिमिलर है,
लेकिन ये इस तरह में नहीं है कि 100% एक जैसा, 100% तो मतलब वो एक ही जैसा चीज हो जाएगा, लेकिन इनहिबिटर का जो शेप है वो थोड़ा सा मैच करता है सबस्ट्रेट के साथ, जिसकी वजह से अगर इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ये वो अलग बात, अगर इसका अमाउंट ज़्यादा है फिर तो सारे एक्टिव साइट पर आ जाएंगे, नहीं तो ये जो इनहिबिटर है ये अपने सबस्ट्रेट के साथ शेप सिमिलैरिटी की वजह से एक्टिव साइट पर मुकाबला शुरू करेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट भी आना चाहेगा एक्टिव साइट पर और इनहिबिटर भी आना चाहेगा एक्टिव साइट पर, तो एक्टिव साइट पर इन दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो जाएगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और वो मुकाबला जो है ना वो डिपेंड करता है कि किसकी अमाउंट ज़्यादा है। लेट सपोज अगर सबस्ट्रेट नहीं है इनहिबिटर है तो इनहिबिटर आकर इसको ऑक्यूपाई करेगा, और अगर सबस्ट्रेट है कम है लेकिन इनहिबिटर ज़्यादा है तो उसकी वजह से इनहिबिटर भी आकर इस जगह को ऑक्यूपाई करेगा। तो जब इनहिबिटर इस जगह को आके ऑक्यूपाई करेगा, अब देखो आपका एक्टिव साइट पे कब्जा हो गया, अब सबस्ट्रेट बिल्कुल इस एंजाइम के साथ अटैच नहीं हो सकता, और हम ये कहते हैं कि एंजाइम का काम स्टॉप हो गया। देखिए इसका ये भी मतलब नहीं है कि एंजाइम के साथ अगर इनहिबिटर अटैच हो गया तो क्या इनहिबिटर के आगे जाकर वो कैटालाइज होगा, क्या इनहिबिटर आगे जाकर उसकी तोड़फोड़ होगी, सो उसका जवाब है नो, इनहिबिटर सिर्फ अटैच होगा और कोई कैटालाइजेशन नहीं होगा, कोई तोड़फोड़ नहीं होगा, जस्ट इस बेचारे का काम उसने ख़राब कर दिया, इसने आना था और ये काम इसने रोक दिया। तो बहरहाल इसको आप रिवर्स कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को, बस क्या करना है आपने, बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप ज़्यादा कर रहे हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा। दूसरा जो है नॉन कम्पीट, अब देखो नॉन कम्पीट मतलब इसमें इस तरह का कोई सिचुएशन है लेकिन उसमें मुकाबला नहीं है, उसके लिए देखो मैं आपके लिए फिर से एक डायग्राम लिखना चाहूँगा, ये रहा डायग्राम एंजाइम का, ये हमारे पास एक डायग्राम है और यहाँ पर फिर से एक और डायग्राम भी है हमारे पास, ये चले सब हमारे पास एंजाइम का डायग्राम है। यहाँ पर हमारे पास ये जो जगह है इसको आप क्या कहते हैं एक्टिव साइट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट, जिस जगह पर सबस्ट्रेट ने अटैच होना है ये जगह आपका एक्टिव साइट है, ठीक है, ये जगह आपका एक्टिव साइट है। एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट भी होता है और वो मैं आपके लिए मतलब लेट सपोज मैं आपके लिए वो यहाँ पर लिख लेना चाहूँगा, यहाँ पर लेट सपोज ये एंजाइम के ऊपर एक और साइट भी है जिसका मैंने अभी तक आपके साथ जिक्र नहीं किया था। एक्टिव साइट के अलावा ये जो दूसरा साइट है इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं एलोस्टेरिक साइट। अब आपने इंग्लिश में इसको किस तरह लिखना है, डेफिनेशन क्या है, द साइट ऑन एन एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के अलावा। इस साइट को मैं बटन का नाम देता हूं, स्विच, आप बल्ब बटन ऑन ऑफ करते हो सी हिसाब से बल्ब आपका ऑन ऑफ होता है, ये जो एलोस्टेरिक साइट है ये एक किस्म का बटन है जो किसका शेप चेंज करता है, एक्टिव साइट का। मतलब यहां पर हमारे पास आप देखिए ये देखिए ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट ये हमारे पास है सबस्ट्रेट एस, और यहाँ पर हमारे पास है ये हमारे पास इनहिबिटर का शेप है। तो अब आप ज़रा देखिए इनहिबिटर का शेप सबस्ट्रेट के साथ बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं, डिफरेंट शेप है। ये जो इनहिबिटर है ये बिल इस बार एक्टिव साइट पर नहीं आने वाला, लेकिन ये जो इनहिबिटर है ये आकर यहाँ पर एलोस्टेरिक साइट के साथ अपने आप को अटैच कर देगा, इस एलोस्टेरिक साइट पर आ गए। तो यहाँ पर ये देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर किसको अटैच किया, ये जो आपका इनहिबिटर है वो यहाँ पर अटैच हो गया। इनहिबिटर कहाँ पर अटैच होगा, एलोस्टेरिक साइट पर। एलोस्टेरिक साइट पर इनहिबिटर के अटैच हो जाने की वजह से एक किस्म का आप समझे किस्म का सिग्नल मिल जाता है किसको, एक्टिव साइट को, कि ये जो एक्टिव साइट है ये अपना शेप चेंज कर देगा। आपको याद है मैंने बताया था कोशलेंड के मॉडल में कि एक्टिव साइट जो है वो लचकदार है, वो अपना शेप चेंज कर सकता है। तो पहले ये जो सबस्ट्रेट का शेप था ये इसमें बिल्कुल फिट आ सकता था, ठीक है,
ये जो सब्जेक्ट है, लेकिन अब क्या हुआ, अब इसका शेप कुछ चेंज हो गया, वो शेप कुछ इस तरह से बना। लेट्स सपोज ये आपका जो एंजाइम का शेप है, एक्टिव साइड का शेप है, वो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब आपका ये जो सब्सट्रेट है, सब्सट्रेट एस, ये सब्सट्रेट एस अब एक्टिव साइट पर बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। तो एक्टिव साइट फारिग है, इस केस में एक्टिव साइट बिल्कुल ऑक्यूपाई हुआ था, सब्सट्रेट बेचारा नहीं आ सकता था क्योंकि उसकी मजबूरी भाई वो फिल है। यहां पर वो बेचारा देख रहा है कि एक्टिव साइट है फिर भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसका शेप चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? बिकॉज एलोस्टेरिक साइट पर इनहिबिटर जाकर वहां पर अटैच हो गया। तो इसी तरह से इसने एंजाइम को भी क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। सो ये छोटा सा लेक्चर था आज एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको फिर एक बार फिर बताता हूँ, एंजाइम इनहिबिशन का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ की मदद से जब आप एंजाइम के फंक्शन को स्टॉप करते हैं, इसको कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम को दो तरीकों से स्टॉप किया जा सकता है, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में अगर एक बार एंजाइम के एक्शन को आपने स्टॉप कर दिया तो दोबारा वो कभी भी रिवर्स नहीं करेगा, वो अपना काम दोबारा स्टार्ट नहीं करेगा। वहाँ पर एंजाइम और सब्सट्रेट के बीच स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना था। लेकिन दूसरे केस में जो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल में एंजाइम अपने इनहिबिटर के साथ वीक बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम अगर कुछ देर के लिए स्टॉप भी हो जाए तो चांसेस है कि दोबारा से फिर से अपना काम शुरू करें। और रिवर्सिबल इनहिबिशन हमारे पास दो तरह का था, एक था कॉम्पिटेटिव, दूसरा था नॉन कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव में एंजाइम सब्सट्रेट का शक्ल इनहिबिटर के साथ मिलता जुलता था, जबकि नॉन कॉम्पिटेटिव में एंजाइम का शेप सब्सट्रेट का शेप इनहिबिटर के साथ बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं था। तो इसके साथ ही हमने ये सारा लेक्चर आपको बता दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया होगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी हमें दीजिए और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।